खैरियत संग मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है ब्रेड फिंगर रेसिपी। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। ब्रेड फिंगर बनाने के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये हैं। स्लाइसेस ले लिए हैं, ब्रेड क्रम्स, इसमें नमक हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है, दो अदद अंडे चाहिए। तो ब्रेड फिंगर बनाने के लिए चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बॉल के अंदर दो एग ले लिए हैं, उसके अब उसको हम बीट कर रहे हैं अच्छी तरीके से फॉक की मदद से, ना फॉक की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस अच्छे तरीके से, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें एक साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। डाल के अच्छी तरीके से बीट कर लिया, अब उसको हम रखते हैं एक साइड पर, उसकी हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको। हमने एक ब्रेड ले लिए, ब्रेड का स्लाइस ले लिया, इसको हम कट करेंगे, ये हम लंबाई में कटिंग करेंगे। देखें ये देखें, ये हमने ब्रेड का स्लाइस इस तरीके से काट लिया है, इसी तरह हम सारे काट लेंगे, एक पीस के तीन बनेंगे ये। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, हमने ये इस तरीके से तीन कर लिए। ये देख सकते हैं ब्रेड की हमने फिंगर काट ली, ये देख सकते हैं हमने ब्रेड की फिंगर काट ली है। डबल रोटी को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, इसी तरह सारे ब्रेड के फिंगर काट लेंगे। शेप दे दिया है इस ब्रेड को, ब्रेड फिंगर का इस तरीके से हमने स्लाइसेस में काट लिए हैं इसको लंबाई के अंदर। अब इसको हम करेंगे अंडे के अंदर डिप। एग ले लिए थे जो बीट कर लिए थे अच्छी तरीके से, इसमें स्पाइसेस डालकर, और यहाँ एक तरफ हसबे जरूरत ब्रेड क्रम्स हैं। पहले हम ब्रेड फिंगर को अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, ये आपको मैं करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ब्रेड फिंगर ले लिया मैंने, अब उसके अंदर मैं अंडे में डिप करूँगी। ये देख सकते हैं, अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स के मतलब ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेती हूँ। ये अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगे, बहुत अच्छे बनते हैं ये, बहुत इजी रेसिपी है। ये ब्रेड फिंगर बन जाएंगे बहुत ज़बरदस्त, बहुत इजी। ये ब्रेड फिंगर हमारे रेडी हो चुके हैं, उसमें मैंने अंडे में डिप कर लिया था, उसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया था, इस तरह का लोग इसी तरह फ्राई कर लेंगे फिंगर को बना के। ब्रेड फिंगर हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट, हमने इसको कोट कर दिया, फिर अंडे में कोट किया, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट किया, उसको हम करेंगे डीप फ्राई। कंप्लीट कोटिंग के बाद उसको हम करेंगे डीप फ्राई। हमने ऑयल डाल दिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ब्रेड फिंगर वन बाय वन करके। ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ ब्रेड फिंगर को ऐड कर दिया, इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ब्रेड फिंगर की साइडों को तब्दील कर रहे हैं, साइडें चेंज कर रहे हैं इसकी, बहुत प्यारा इस पर कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन, यही हमें कलर चाहिए था, दे देंगे और हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि झटपट बनने वाली रेसिपी है। सारे ब्रेड फिंगर हो चुके हैं कंप्लीट रेडी, इसी तरह हम सारे ब्रेड फिंगर को कर लेंगे दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन, और इसी तरह सारे ब्रेड फिंगर को कर लेंगे हम डीप फ्राई। के बाद फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसका। ब्रेड फिंगर हो चुके हैं कंप्लीट रेडी, से हमने सर्व किया है केचप के साथ, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप टी टाइम पे इसे इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।